भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना से संबंधित वो ऐतिहासिक दस्तावेज जो हमको इस बात की जानकारी देते हैं कि जब शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए तो औरंगजेब ने उनको कैद करने से पहले किस प्रकार का व्यवहार किया और शिवाजी महाराज ने किस प्रकार बड़ी निर्भीकता से भरे मुगल दरबार में अपने व्यवहार का प्रदर्शन किया। वो मुगल दरबार जहां पर बाकी दरबारी कुछ बोलने से पहले, कुछ अर्ज करने से पहले बादशाह की आज्ञा लिया करते थे, दरबार में जाने से पहले बादशाह की आज्ञा लिया करते थे, उसी भरे दरबार में शिवाजी महाराज के द्वारा किस प्रकार से अपने व्यवहार का प्रदर्शन किया गया और यह जो व्यवहार था यह बाकी दरबारियों के लिए बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला व्यवहार था। दरअसल उस समय आमेर के जो राजकुमार थे राम सिंह, वो मुगल दरबार में थे और उनको 2500 की मनसबदारी प्राप्त थी। मनसबदारी एक सैनिक रैंक हुआ करती थी। राम सिंह मुगल दरबार में जब जाते थे जो जो वहां की गतिविधियां होती थी, इसके अलावा जब राम सिंह शिवाजी महाराज से मिले तो उनके साथ जो जो उनका वार्तालाप हुआ, इस संपूर्ण विषय में वो अपने अधिकारियों के साथ बात किया करते थे। मतलब जब वो अपने कैंप लौटा करते थे वहीं आगरा में राम सिंह की हवेली में, तो अपने अधिकारियों के साथ में इन संपूर्ण घटनाओं पर बात किया करते थे और उनके अधिकारी इन बातों को नोट कर लिया करते थे और इन दस्तावेजों को आमेर भेज दिया जाता था। आमेर जो उस समय कच्छावा शासकों की राजधानी हुआ करती थी, वर्तमान में आमेर जयपुर जिले के अंतर्गत आता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले के अंतर्गत। तो वहीं जयपुर में संग्रहालय में ये दस्तावेज आज भी सुरक्षित हैं और इन दस्तावेजों से हमको उस समय की आंखों देखी घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय एग्जैक्टली क्या हुआ था, महाराज के द्वारा क्या किया गया था, क्या क्या एग्जैक्ट क्या क्या शब्द बोले गए थे। इस संपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। खैर, ये तो हम जानते हैं कि दक्षिण में शिवाजी महाराज के विरुद्ध चलाए गए अभियानों की वजह से औरंगजेब को बहुत आर्थिक नुकसान भी हो रहा था और सैनिक मोर्चे पर भी बहुत नुकसान हो रहा था। और 5 अप्रैल 1663 की घटना भी किसी से छिपी हुई नहीं है कि किस प्रकार से शिवाजी महाराज ने पुणे के लाल महल में घुसकर अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में शाइस्ता खां की उंगलियां काट दी थी। शाइस्ता खां जो औरंगजेब का मामा था, और किस प्रकार से शाइस्ता खां को मुगल हरम से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। वो लाल महल जहां पर हजारों की संख्या में सैनिक थे, वहीं पर छापामार युद्ध पद्धति से शिवाजी महाराज अपने 400 सैनिकों के साथ में घुसे और कहें तो भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां से लौटकर आ गए थे। तो एक एक करके जब दक्षिण में मुगल अधिकारियों को अपनी मुंह की खानी पड़ रही थी, तो शिवाजी महाराज पर पार पाने के लिए औरंगजेब के द्वारा आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया। इस संपूर्ण विषय पर तो डिटेल से जाने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे बात करते हैं एक संधि से, और वो संधि है पुरंदर की संधि, जो 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी महाराज और औरंगजेब की ओर से मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य में हुई थी। इससे संबंधित कुछ सोर्सेज हैं। एक तो वो रिपोर्ट जो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा औरंगजेब को भेजी गई थी, वहां से कुछ जानकारी मिलती है। इसके अलावा वहां पर उपस्थित एक व्यक्ति मनुची, जो इटली के यात्री थे, औरंगजेब के दरबारी भी रहे हैं मनुची, और जिनके द्वारा एक किताब लिखी गई है स्टोरिया दो मोगोर। इसके अलावा उस समय एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई फारसी कविता। तो इन तीन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सोर्सेज से हमको उस संधि के संबंध में जानकारी मिलती है कि शिवाजी महाराज पालकी में बैठकर गए मिर्जा राजा जयसिंह के पास में। उनके साथ उनके 6 ब्राह्मण सलाहकार भी थे। जब वो मिर्जा जयसिंह के पास में गए तो मिर्जा जयसिंह ने उनको गले से लगाया, अपने पास में बैठाया। इसके बाद दिलेर खां के पास उनको भेजा। दिलेर खां ने शिवाजी महाराज की कमर में तलवार बांधी और तलवार बांधने के बाद फिर से उनको मिर्जा राजा जयसिंह के पास में भेज दिया। अब यहां थोड़ी सोचने वाली बात यह है कि मिर्जा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को दिलेर खां के पास क्यों भेजा। उसका कारण था औरंगजेब का शंकालु स्वभाव, क्योंकि औरंगजेब हर किसी पर शक किया करता था। अपने भाइयों का तो क्या हश्र किया था ये सभी आप जानते हैं, अपने पुत्रों पर भी संदेह किया करता था। इसीलिए मिर्जा जयसिंह ये चाहते थे कि किसी तीसरे व्यक्ति को भी यदि मध्यस्थता में ले लिया जाए तो औरंगजेब का विश्वास बना रहेगा, इसीलिए दिलेर खां के पास भेजा था शिवाजी महाराज को। खैर, यहां यह संधि हुई 11 जून 1665 ईस्वी को। संधि की कुछ शर्तें थी कि साहब 35 किले जो शिवाजी महाराज के पास हैं उसमें से 23 तो मुगलों को दे दिए जाएंगे, 12 किले वो रख सकते हैं। इसके अलावा 40 लाख तक की आय के जो परगने हैं वो मुगलों को वापस लौटा देंगे शिवाजी महाराज।
इसके अलावा स्वयं शिवाजी महाराज तो मुगल दरबारी सेवा से मुक्त रहेंगे, लेकिन उनके जो पुत्र हैं संभाजी, उनको 5,000 की मनसबदारी दी जाएगी और वो मुगल दरबारी सेवा में रहेंगे। इसके अलावा जब कभी भी शिवाजी महाराज को ये आज्ञा दी जाएगी कि वो मुगल दरबारी सेवा में उपस्थित हों, तो उनको उपस्थित होना पड़ेगा। इसके अलावा और भी छोटी 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 शर्तें थी, उनसे उनको ज्यादा गहराई में चर्चा करने से अभी कोई मतलब नहीं है। खैर, अब कुछ और जानकारी मिलती है कि यहां जब 11 जून को यह संधि हुई तो 11 जून 12 13 14 इन 4 दिनों तक शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह दोनों साथ साथ रहे और उनके मध्य कुछ गुप्त वार्ताएं भी हुई। उसी के संबंध में उस समय लिखी गई फारसी कविता से हमको कुछ जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है कि शिवाजी महाराज के द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह के समक्ष उस समय की जो मुस्लिम धार्मिक नीति थी, जो औरंगजेब के द्वारा जो संचालित की जा रही थी, उसकी निंदा की गई थी। इसके अलावा ये भी आलोचना की थी शिवाजी महाराज ने कि ये लोग किस प्रकार से हमारे मंदिरों को तोड़ देते हैं, जैसा सर जदुनाथ सरकार ने कोट करते हुए लिखा है, वो सारी बातें मैं आपको जैसा राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा के द्वारा किताब में जो लिखा गया उसको मैं कोट करते हुए बता रहा हूं आपको, और सोर्सेज का हवाला मैंने आपको दे दिया। तो ये सारी बातें उसमें लिखी गई हैं। इसके अलावा शिवाजी महाराज ने मिर्जा जयसिंह से हिंदू एकता बनाए रखने पर भी उस समय बल दिया था। गोपीनाथ शर्मा भी इस संबंध में ये कहते हैं कि हाँ, इस प्रकार की बातें हुई होंगी क्योंकि शिवाजी महाराज निर्भीक थे। ठीक है साहब, अब बाद में मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को मनाया कि आप जाइए मुगल दरबार में उपस्थित होइए, आगरा जाइए, औरंगजेब से मिलिए, वहां पर आपका सम्मान किया जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं। किस बात की गारंटी? आपके प्राणों की रक्षा की गारंटी, आपके सम्मान, आपके स्वाभिमान की रक्षा की गारंटी मैं आपको देता हूं। मैं शपथ देता हूं आप निर्भीक होकर वहां पर जाइए। ठीक है, तो मिर्जा जयसिंह से आश्वासन मिलने के बाद शिवाजी महाराज 1666 ईस्वी के आरंभ में आगरा की ओर चल पड़े। अब जब उनकी यात्रा आगरा की ओर चल रही थी तो हमको कुछ जानकारी मिलती है शिवाजी एंड हिज टाइम्स, एक किताब है सर जदुनाथ सरकार की, इसमें पेज नंबर 105 पर जब मैं पढ़ रहा था तो बड़ा अचंभित करने वाला एक सीन था कि किस प्रकार से लोगों में शिवाजी महाराज के प्रति एक अट्रैक्शन था। क्या लिखा हुआ है कि जब शिवाजी महाराज औरंगाबाद पहुंचे, औरंगाबाद वो शहर जो वर्तमान में महाराष्ट्र में आता है, जब वहां पहुंचे तो वो क्षेत्र मुगलों के अधीन था। वहां का जो सूबेदार था सैफ शिकन खान, तो सैफ शिकन खान ने भी जब लोगों की इस प्रकार की उत्सुकता देखी शिवाजी महाराज को देखने के लिए, तो वो बड़ी घृणा करने लगा और शिवाजी महाराज के प्रति उसका व्यवहार बड़ा तिरस्कार पूर्वक था, तिरस्कार पूर्ण व्यवहार था। हुआ क्या, जब शिवाजी महाराज औरंगाबाद पहुंचे तो वहां की आम जनता उनको देखने के लिए उमड़ पड़ी, क्योंकि उनका यश पहले से ही काफी उज्जवल हो रहा था, उनकी बातें प्रचारित हो रही थी कि 1663 में किस प्रकार उन्होंने शाइस्ता खां की उंगलियां काट दी थी, तो लोग उनको देखने के लिए उमड़ रहे थे, भीड़ जमा हो गई। लेकिन वहां औरंगाबाद में मुगल सूबेदार के द्वारा शिवाजी महाराज का तिरस्कार किया गया, उनका अपमान किया गया। वो स्वयं शिवाजी महाराज का सम्मान करने के लिए नहीं गया, बजाय इसके उसने अपने भतीजे को भेजा। इसके बाद फिर उनको क्वार्टर में ले जाया गया, वहां पर फिर शिकन खान शिवाजी महाराज से मिलने के लिए गया, लेकिन उसका जो व्यवहार था वो एक पोलाइट व्यवहार नहीं था, अच्छा व्यवहार नहीं था। खैर, शिवाजी महाराज का यहां पर जो व्यवहार रहा वो विनम्रता पूर्वक व्यवहार रहा और वो यहां से फिर आगे की ओर चल दिए और 11 मई 1666 ईस्वी को आगरा शहर के बाहर पहुंच गए। कुछ अलग अलग सोर्सेज में हमको ये समय जून भी देखने को मिलता है कि 11-12 जून के आसपास में पहुंचे, लेकिन सर जदुनाथ सरकार की किताबों के अनुसार मैं आपको ये टाइम बता रहा हूं, ये ज्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। तो 11 मई 1666 ईस्वी को आगरा शहर से वो बाहर पहुंचे शिवाजी महाराज। अब मई का महीना है, सोचो तपता हुआ सूरज है, तो वहां पर भी जब वो शहर में गए तो औरंगजेब की कोर्ट तक पहुंचने से पहले उनको वहां पर भी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। तब जाकर आमेर के जो राजकुमार थे राम सिंह, वो उनसे जाकर मिले, एक गार्डन में मुलाकात हुई। उसके बाद फिर राम सिंह उनको मुगल दरबार में लेकर गए। जब मुगल दरबार में लेकर गए तो उस समय औरंगजेब दीवान ए खास में बैठा हुआ था। दरअसल दो अलग अलग कोर्ट होती है, दीवान ए आम और दीवान ए खास, जहां पर राजा आम जनता से मिला करते थे, आम जनता की तकलीफों को सुना करते थे, उनको न्याय किया करते थे, वो हो गया दीवान ए आम। और जहां खास लोगों से, सेलेक्टेड लोगों से, अपने अधिकारियों से मिला करते थे, उसको कहा जाता था दीवान ए खास। तो जब शिवाजी महाराज को औरंगजेब के कोर्ट में ले जाया गया, आगरा के किले में ले जाया गया, तो उस समय औरंगजेब दीवान ए खास में बैठा हुआ था और एक व्यक्ति
असद खां के द्वारा शिवाजी महाराज का औरंगजेब से परिचय कराया गया। अब औरंगजेब ने देखा, देखने के बाद शिवाजी महाराज की ओर से औरंगजेब को कुछ नजर पेश की गई, मतलब गिफ्ट वगैरह जैसी औपचारिकताएं होती थी, और उसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के लिए कुछ शब्द नहीं कहे, कुछ नहीं बोला, और एक प्रकार से उनकी उपेक्षा कर दी कि यहां पर कोई खड़ा है या नहीं खड़ा। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति आपके सामने लेकिन फिर भी आप उसको इग्नोर कर दो, तो इस प्रकार से इग्नोर किया। इसके अलावा अब देखो, ये सारा मैं उन जो उस समय आमेर के राजकुमार राम सिंह के समय जो पत्र लिखे गए थे, जो दस्तावेज लिखे गए थे, जो उस समय की घटनाओं की ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, जिनको सर जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब में कोट किया है, वहां जैसा जैसा लिखा गया है वो सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हो सकता है कुछ शब्दों का थोड़ा बहुत अगर हेरफेर हो जाए, क्योंकि वो सारी बातें मेरे दिमाग में है, और याद की हुई चीजों को टू द पॉइंट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोलना, एक एक शब्द शह बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं इमेजेस लगा दूंगा। तो शिवाजी महाराज को इग्नोर कर दिया गया। इग्नोर करने के बाद उनको तीसरे दर्जे के जो दरबारी थे, उन दरबारियों के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया गया, जो 5,000 मनसबदारी थे। शिवाजी महाराज ने वहां पूछा, ये क्या है भाई, कि कहां खड़ा कर रहे हो मेरे को, कौन है ये लोग? बोले ये 5,000 मनसबदारी हैं। तो एक तो उनको बहुत गुस्सा आया, भाई 5,000 की मनसबदारी मैंने नहीं ली है, मैंने तो मनसबदारी का त्याग कर दिया, 5,000 की मनसबदारी मेरे पुत्र संभाजी को मिली है। इसके अलावा नेताजी पालकर को 5,000 की मनसबदारी दी गई है, 5,000 की मनसबदारी मेरे लिए नहीं है। तो एक उनको यहां पर गुस्सा आया। दूसरा, जैसा हिस्ट्री ऑफ जयपुर में पेज नंबर 124 पर लिखा हुआ है कि शिवाजी महाराज ने अब क्या पूछा और क्या कहा, उन्होंने पूछा ये मेरे आगे कौन खड़ा है, तो उनको बताया गया ये आपके सामने जसवंत सिंह खड़े हैं, जोधपुर के शासक। तो वो बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि जसवंत सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह को उनसे आगे खड़ा किया हुआ था, तो उनकी मनसबदारी इसका मतलब शिवाजी महाराज की मनसबदारी से ज्यादा थी। तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने ये कहा कि वो जसवंत सिंह जो मुझे कभी पीठ दिखाकर भाग चुका है, उसको मेरे आगे खड़ा किया गया है। वो बहुत गुस्सा हुए। इसके अलावा फिर जब वहां पर शाही खिलअत लाई गई, मतलब वो शाही कपड़े जिनको शाही खिलअत कहा जाता था, जिनको मुगल दरबार में पहना जाता था, तो वो शाही खिलअत जफर खान को और महाराजा जसवंत सिंह को जब दी गई, शिवाजी महाराज को इसके बारे में पूछा ही नहीं गया, तो फिर उनका जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर पहुंच गया। और ये सब जब बातें हो रही थी तो शिवाजी महाराज बड़ा तेज तेज बोल रहे थे और औरंगजेब के कानों तक ये बातें पहुंच रही थी। तो औरंगजेब ने आमेर के राजकुमार राम सिंह की ओर इशारा किया और कहा, देखो कारण जानो क्या है। तो राम सिंह जब शिवाजी महाराज के पास में गए, तो देखो अब शिवाजी महाराज ने क्या शब्द कहे उसी रूप में आपको बताता हूं। उन्होंने ये कहा उस भरे मुगल दरबार में, आप सोचो औरंगजेब बैठा हुआ है, भरा हुआ मुगल दरबार है, और वो दरबारी जो बिना आज्ञा लिए हुए कुछ अर्ज नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, वहां कैसे बड़े तेज शब्दों में, निर्भीकता के साथ में, गुस्से में शिवाजी महाराज अपनी बात कह रहे हैं। क्या कहा? तुम जानते हो, तुम्हारे पिता जानते हैं, तुम्हारे पिता यानी मिर्जा राजा जयसिंह जानते हैं, और तुम्हारा बादशाह भी जानता है कि मैं कौन हूं, मतलब कि मेरा क्या स्तर है, मेरा क्या ओहदा है, ये तुम सब जानते हो, उसके बावजूद मुझे कहां खड़ा किया गया है। यहां तक कि तुमने भी, मतलब महाराज ने कहा राम सिंह को, यहां तक कि तुमने भी मुझे बहुत लंबे समय तक इंतजार करवाया, क्योंकि जब महाराज आगरा में पहुंचे थे और वहां राम सिंह के साथ महाराज की जब भेंट हुई थी, तो आप सोचो 11 मई है, 11-12 मई, और मई में तपता हुआ सूरज है, उस धूप में उनको घंटों तक इंतजार करना पड़ा था, तो अपमान तो रास्ते में बार बार किया ही जा रहा था ना उनका, अब वो गुस्सा कहीं ना कहीं तो फूटेगा। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि तुम, यहां तक कि तुमने भी मुझे बहुत लंबे समय तक इंतजार करवाया और मैंने तुम्हारी मनसबदारी को त्याग दिया है, ये कहा। और औरंगजेब के सामने से, औरंगजेब की तरफ यूं देखते हुए वो घूमे और घूमकर बिना औरंगजेब की आज्ञा के मुगल दरबार से चले गए। तो यह बहुत बड़ा अपराध माना जाता था उस समय कि मुगल दरबार में अगर आप जा रहे हो तो बादशाह की आज्ञा लेनी होती थी। वो घूमे और बड़ी निर्भीकता से वहां से चले गए, और एक पिलर जो था, पिलर आप जानते हैं ना, एक जो खंभा बना हुआ होता है, उस पिलर के पीछे की ओर जाकर वो नीचे बैठ गए। पीछे पीछे जब वो जा रहे थे तो राम सिंह ने उनका हाथ भी पकड़ा, लेकिन औरंगजेब के सामने ही महाराज ने राम सिंह का हाथ ऐसे छिटक दिया और गुस्से में चले गए, उस पिलर के पास में जाके बैठ गए। राम सिंह पीछे पीछे गए, महाराज ने बड़े गुस्से में ये कहा, क्या, कि या तो तुम मेरी गर्दन काट दो या मैं अपनी हत्या कर लूं खुद, लेकिन तुम्हारे बादशाह के सामने नहीं जाऊंगा मैं। राम सिंह जब वापस आए तो औरंगजेब ने 3 और दरबारियों को भेजा शिवाजी महाराज को मनाने के लिए, लेकिन शिवाजी महाराज ने आने से मना कर दिया कि मैं तुम्हारे बादशाह के सामने कतई नहीं जाऊंगा। तो उस समय तो औरंगजेब ने राम सिंह को यह कहा कि ठीक है, तुम इनको ले जाओ अपनी हवेली में ले जाओ और फिर कल इनको आप लेकर आइए।
अब अगले दिन जब फिर से दरबार लगा तो महाराज नहीं गए, केवल उनके जो पुत्र थे संभाजी वो गए। अब औरंगजेब ने जब राम सिंह से कारण पूछा कि वो क्यों नहीं आए, तो राम सिंह ने कहा कि उनको बुखार है और उनके पुत्र जो है वो संभाजी मेरे साथ में आए हैं। अब उस समय तो ठीक है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब दरबार लगा तो उन दरबारियों के द्वारा, वहां जो दरबारी थे उनके द्वारा एक एक करके आवाज उठाई गई कि उनके द्वारा क्या कहा गया कि शिवाजी के द्वारा जो व्यवहार का प्रदर्शन किया गया है उससे मुगल दरबार की गरिमा गिरी है, इसलिए उनको दंडित किया जाए, ये कहा गया। इसके अलावा औरंगजेब की जो बहन थी रोशन आरा बेगम, उसने भी ये कहा कि यही समय है कि शाहिस्ता खां के अपमान का बदला लिया जाए और शिवाजी को, जहां आरा ने कहा कि शिवाजी को मृत्यु दंड दिया जाए, औरंगजेब के द्वारा यह आदेश दे दिया गया। क्या कहा औरंगजेब ने कि शिवाजी को मृत्यु दंड दे दिया जाए। अब जब यह खबर राम सिंह के पास में पहुंची कि साहब ऐसा आदेश दे दिया गया, तो होश उड़ गए राम सिंह के। क्यों? क्योंकि राम सिंह के पिता आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह ने यह वचन दिया था शिवाजी महाराज को कि मैं आपके प्राणों की रक्षा और आपके सम्मान और आपके स्वाभिमान की रक्षा का वचन देता हूं। और इसी के लिए मिर्जा राजा जयसिंह ने बार बार अपने पुत्र राम सिंह को पत्र भी लिखे थे और उन पत्रों में बार बार ये चिंता व्यक्त की थी। ये कहा गया था कि शिवाजी, क्या लिखा गया था कि शिवाजी के सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाए और ये ध्यान रखा जाए कि उनके प्राणों को किसी भी प्रकार का संकट ना हो। तो अब अगर औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड का फैसला सुना दिया गया तो ये तो सीधे सीधे मिर्जा जयसिंह का वचन भंग हो जाएगा। तो अब आगे राम सिंह ने क्या किया, राम सिंह दौड़ा भैया एक व्यक्ति की ओर, वो व्यक्ति था अमीन खान और कुछ जगह अमीर खान देखने को मिलता है। तो उस व्यक्ति के माध्यम से औरंगजेब के पास में अपनी एक प्रार्थना पहुंचवाई, क्या कहलवाया कि शिवाजी महाराज की हत्या करने से पहले मेरी गर्दन उड़ा दी जाए, पहले मेरा सर काटा जाए और जब मेरी हत्या कर दी जाए तो उसके बाद, राम सिंह ने यह लिखा क्या, उसके बाद औरंगजेब यानी बादशाह जैसा भी करना चाहे, उनके साथ जैसा भी व्यवहार करना चाहे वो कर सकता है। अब इसके बाद आगे क्या हुआ, इस संपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।